सोच लो मलखान सिंह, अगर राणा जी को ये सब पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। हम जब एक बार वचन ले लेते हैं फिर कुछ नहीं सोचते। राजकुमारी पद्मावती, और हमने भी वचन लिया था कि इस बसंत पंचमी से पहले अगर हमने अपने अपमान का बदला ना लिया तो हम क्षत्रिय नहीं। बादल, बादल तुम जल्दी जाओ, शिव जी के मंदिर में राणा जी वहां पर तुम्हें मिलेंगे। उन्हें जाकर बताओ कि राजकुमारी पद्मावती को मलखान सिंह उठा कर ले गए। जाओ बादल जाओ। आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं बादल, तुम हमारी चिंता मत करो, जाओ जल्दी जाओ, राणा जी को सब कुछ बताओ। बादल, राणा जी, राणा जी, बादल तुम यहाँ? राणा जी, राणा जी, हमारे जीजी को मलखान सिंह उठा कर ले गया है। मलखान सिंह उठा ले गया? सुदामनी कहाँ है? वो जंगल में घायल पड़ी हुई है। राणा जी, जीजी को बचा लीजिए। मलखान सिंह! बादल, कहाँ जा रहे हो तुम? वही जहाँ आप जा रहे हो, अपनी जीजी को बचाने। नहीं बादल, तुम जाओ और अपनी सुदामनी जीजी को संभालो, तब तक हम तुम्हारी जीजी को वापस लेकर आते हैं। नहीं, आज आपकी वजह से आज हमारी जीजी मुसीबत में है, और उन्हें बचाने हम भी आपके साथ चलेंगे। आपकी जीजी हमारी वजह से मुसीबत में है ना, तो हमें बचाने दीजिए। बादल, हम आपको वचन देते हैं कि भोर का तारा निकलने से पहले हम आपकी जीजी को आपके पास वापस लेकर आएंगे। हम पे विश्वास रखिए, हमारी बात मानिए। बादल, हमारे पीछे आने से अच्छा है कि आप सुदामनी को महल में ले जाइए और सबको सूचित कीजिए, जाइए यहां से। मलखान से खम्मा घनी रानी मां, मारो छोरा कहां है? कहां है राजकुमार रतन सिंह? रानी मां, मुझे नहीं मालूम। तन्ने मालूम है पंडित, नहीं तो मारो छोरो राजकुमार रतन सिंह इस तरह महलों से किसी को बताए बिना कहीं नहीं गयो है। बोल, कहां है राजकुमार रतन सिंह? मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं मालूम, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तन्ने तो हम खूब जाने हैं पंडित, है कितना पहुंचो वो पंडित हो यो हमसे छुपाना है। राजा महाराजा तारी कितनी सेवा करे यो सब पता है हमें। चौखट चौखट से धक्का मार कर निकारो गयो है तू। सीधी तरह बता, राजकुमार रतन सिंह कहां है? अब अगर आपको मेरी बात का विश्वास ही नहीं है तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। आपको तो मेरी हर बात झूठ ही लग रही है।
हाँ, क्योंकि राजकुमार के कक्ष से हमें ये कुंजली प्राप्त हुई है जो हम जानते हैं थारे हाथ की है। इस कुंडली के अनुसार इसका जन्म पुख नक्षत्र में हुआ है। कन्या लग्न में पैदा हुई है ये कन्या। पता पंडित, ये कुंडली किसकी है? ये एक काल्पनिक कन्या की कुंडली है रानी माँ, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। पर हमें वास्ता है। रतन सिंह मारो छोरा है और उसे बहकाने के वास्ते तुमने इस झूठी कुंडली का सहारा लियो। पंडित, हम जानते हैं तू रतन सिंह बहकान वास्ते किसी भी सीमा तक जा सके है, तो अब मारी बात भी सुन ले। मन्ने काल सुबह तक राजकुमार की खबर ना लागी तो या दुनिया में थारी खबर लेने वालों भी कोई ना रहेगो। इतना याद रखियो। आपने राजकुमारी को अर्धरात्रि को जाने क्यों दिया, वो भी महल के बाहर? हमने मना किया था महाराज, और ये भी कहा था कि बसंत पंचमी तक धीरज रखे, फिर भी वो चली गई। क्षमा कीजिए महाराज, इसमें राजकुमारी की कोई गलती नहीं है। वो तो हम ही ने उनसे कहा था राणा जी से मिलने के लिए, और हम ही उन्हें हट कर उन्हें वहां ले गए थे। हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। ये सब आपके स्वयंवर कराने का परिणाम है। किसने कहा था आपको स्वयंवर कराने के लिए? कल तक जो मलखान सिंह हमारे आगे पीछे घूमता था, आज वो हमारा दुश्मन हो गया है। और उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो राजकुमारी पद्मावती को उठा कर ले गया। किसने कहा था उन्हें इतनी रात को बाहर जाने के लिए? सारी गलती राणा जी की है। सौदामिनी तो उन्हें वहां लेकर गई। बुलाया तो राणा जी ने था, और बुलाकर उसे धर्म संकट में डाल दिया। वो बुलाते ही नहीं, ये सब होता ही। अब हमारा शक यकीन में बदल गया है कि राजकुमार रतन सिंह ने राजकुमारी को स्वयंवर जीता जरूर है, लेकिन राजकुमार रतन सिंह राजकुमारी पद्मावती के लायक ही नहीं है। महाराज, हमें लगता है अभी तो ये वक्त नहीं है ये बात करने का। जो भी बात करनी है हम भोर में करेंगे। अभी तो हम कुछ लोगों को लेकर पद्मावती की तलाश में निकलते हैं। ऐसे क्या देख रही हो राजकुमारी पद्मावती? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक मलखान सिंह अपने अपमान का बदला नहीं ले लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। एक बार राणा जी को पता चल गया तो हमने तो तुम्हें स्वयंवर में छोड़ दिया था, राणा जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे राणा जी जब यहाँ पहुंचेंगे तब ना, और अगर पहुंच भी गए तो यहाँ से मुझसे बचकर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें अपनी बहादुरी पर भरोसा है और तुम एक सच्चे क्षत्रिय हो तो लाओ हमें भी एक तलवार दो, और फिर भी तुम्हें हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ, नहीं तो आज के बाद अपने आप को क्षत्रिय मत कहला। तलवार पर तो हमें पूरा भरोसा है, पर मैं उन बेवकूफ क्षत्रियों में से नहीं जरा सी ललकार से अंधे हो जाते हैं। इंसान अगर अवसर का लाभ ना उठा पाए वो इंसान ही क्या। दुर्जन सिंह,
अब तुम्हारा हर वार खाली जाएगा पद्मावती। तुम्हारी चीख इस जंगल में खोकर रह जाएगी। तुम्हारा यहां से बच के भागना तो दूर, तुम भागने का सोच भी नहीं सकती। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना ये बेकार का संघर्ष करना छोड़ दो। देखता हूं तुझे स्वयंवर में जीतने वाला राणा आज तुझे कैसे बचाता है। अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है, इतना ही घमंड है अपनी तलवारबाजी पे, तो लाओ खोल दो हमारे हाथ, दे दो हमें भी एक तलवार। हिम्मत है वर खान सिंह? हिम्मत तो बहुत है पद्मावती, और तुम एक दिन हम जीत कर भी दिखाएंगे, क्योंकि अब तुम्हें हमसे बचाने वाला कोई नहीं है। राणा जी छोड़ना नहीं इसे। दुर्धन सिंह, अलकान सिंह, हमारी तलवार की रक्त की प्यास अभी तक पहुंचे नहीं। कभी नियत के परवाह नहीं करते, और आप तो राजपूताना के राजपूत हो, राजपूत राणा रतन सिंह। भला आप नियत पे वार कैसे कर सकते हो? इसे मत छोड़िएगा राणा जी, इसने हमें बहुत सताया है। राणा जी हम कह रहे हैं इसे मार डालिए, छोड़िएगा नहीं, तो हमें आप क्या दे? हम अपनी तलवार से इसका शीश काट कर इसको इसकी करनी का फल देंगे। राजी, स्वयंवर में हार कर दुश्मनी पर उतर आया हो, उसका कोई भरोसा नहीं, नाक का विष भी उसके आगे कुछ नहीं। डाल डालिए इसे। हम जानते हैं, हम अपने राजपूत धर्म के आगे कभी नहीं जाएंगे। जा, छोड़ दिया तुझे, हमने तुझे छोड़कर एक राजपूत का धर्म निभाया है। उसकी चालाकी समझिए राणा जी, उसने जानबूझकर अपनी तलवार फेंकी है ताकि आप उस पर हाथ ही ना उठा पाए। नहीं राजकुमारी पद्मावती, ये सब हमारी वजह से हुआ है। सबके मना करने के बाद भी हमने आपसे मिलने की हट की, हो सकता है ये सब उसी का परिणाम हो।
आपके परिजन सही कहते थे कि हमारा 4 रोज तक मिलना सही नहीं था, पर क्षमा करें राजकुमारी, अभी अच्छा होगा कि आप अपने महल में जाएं। अब हम 4 रोज के बाद विवाह वेदी पर ही आपस में मिलेंगे।